में एक ही रोज में 23 रुपए इजाफा। ब्रायलर गोश्त की कीमत 241 रुपए फी किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर 166 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। कीमतों के हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा सुंदस खान। जी बिल्कुल, जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत LPG और अशिया खुरनोश की दीगर अशिया महंगी होती जा रही हैं, वहीं पर जो है गोश्त की कीमत भी दिन बदन जो है वो बढ़ रही है। आज नर्ख नामे पर जो है चिकन की कीमत वो 241 रुपये मुकर्रर की गई है। 23 रुपये जो है वो नुमाया इजाफा ब्रायलर के गोश्त में जो है वो नज़र आया है। मेरे साथ एक शहरी यहाँ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि 23 रुपये जो है वो नुमाया ब्रायलर के गोश्त में जो है वो कीमत में इजाफा नजर आया, इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे? हर चीज़ में तो इजाफा हो रहा है कि किसी गरीब आदमी का खाने से पहुँच जाना दूर है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने आप कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए बेहतरी का रास्ता सोचे और जो भी बेहतर काम है ना वो करना चाहिए। ये नहीं है कि एक चीज़ महंगी हो गई है, दूसरा बिजली का बिल भी, हर चीज़ जो है ना महंगाई पे जा रही है। कम से कम मजदूर आदमी का कुछ ख्याल करे, एक 100,000 रुपया या 10,000 रुपया तनख्वाह लेता है तो वो ये क्या करें। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हर चीज़ जो है वो महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। दालें हो गई, गोश्त हो गया, हर चीज़ इनका यही कहना है कि दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि चिकन की कीमतों को भी थोड़ा कम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। इनका कहना है कि चिकन की कीमत जो है वो 100 से 150 रुपये किलो के हिसाब से जो है फरोख्त होना चाहिए। जी शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।